अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अशरफ खान है और मैं इनलेट ऑफिस दिल्ली से बात कर रहा हूं। दोस्तों, अभी जो मैं आपको काम बताने जा रहा हूं, ये पूरा का पूरा मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट है और ये सऊदी अरबिया में है। मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम आपको मैं नाम वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। आप पेपर में भले ही नाम देख सकते हो, और दूसरा चीज आप फोन करके इनलेट ऑफिस में इंक्वायरी कर सकते हैं कंपनी के बारे में पूरी जानकारी। ये कंपनी जो है पूरा का पूरा मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट है और इसका इंटरव्यू 16 जून जो है बुध अपना जुमरात का दिन है, बृहस्पतिवार है और थर्सडे का दिन है। थर्सडे को बृहस्पतिवार को सुबह 9 बजे से इसका इंटरव्यू चलेगा। फुल मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट है सऊदी अरबिया का। ऑल रिलीजन इसमें एक्सेप्टेड है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऑल सब चलेगा। ये इनलेट ऑफिस दिल्ली है, ओखला सराय जुलैना नई दिल्ली में, सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के पास में है। और ये जो मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट है, इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें वही बंदे एक्सेप्ट हैं जिनके पास आईटीआई हो 2 साल का या डिप्लोमा हो 3 साल का। ठीक है, भले ही वो ओरिजिनल हो या डी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ क्लाइंट के पास इंटरव्यू पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पेपर होना चाहिए, बाकी वो पेपर चेकिंग जो होगा बाद में वो बात की बात है। ठीक है, पहले इंटरव्यू निकालो तो सही। ये मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट है, इसका पेपर आप देखिए, ये पेपर है, इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है। ये कंपनी है जहरान कंपनी, जहरान कंपनी सऊदी अरबिया में है, मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट है। क्लाइंट इंटरव्यू जो है इनलेट ऑफिस दिल्ली में 16 जून बृहस्पतिवार थर्सडे जुमरात के दिन सुबह 9 बजे से चलेगा। इसमें जो बंदे चाहिए आईटीआई या डिप्लोमा वाले चाहिए। अब मैं बता दूं कौन से पोजीशन में आईटीआई या डिप्लोमा चाहिए और कौन से पोजीशन में नहीं चाहिए। जैसे ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, इसमें आईटीआई हो या नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑटो इलेक्ट्रीशियन ऑटो मैकेनिक ओके। और दूसरा इसमें मेडिकल गैस टेक्नीशियन है और बीएमएस कंट्रोल टेक्नीशियन है, बॉयलर टेक्नीशियन है, बॉयलर ऑपरेटर है, फर्नीचर कारपेंटर है, इसमें आईटीआई डिप्लोमा की कोई जरूरत नहीं है। टेक्नीशियन जितने भी टेक्नीशियन का पोजीशन यहाँ पे आप देख रहे हो ना, सब में आईटीआई या डिप्लोमा चाहिए। और आफ्टर आईटीआई, अगर आप आईटीआई किए हुए हो या आप डिप्लोमा किए हुए हो, तो उसके बाद आईटीआई के बाद कम से कम 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आफ्टर आईटीआई या आफ्टर डिप्लोमा 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। भले ही वो 5 साल के एक्सपीरियंस में आपका 2 साल या 1 साल या 3 साल मेंटेनेंस में हो, पूरा 5 साल का जरूरी नहीं कि 5 साल पूरा ही मेंटेनेंस में एक्सपीरियंस दे पाओ। बंदा कंस्ट्रक्शन में काम करते करते फिर मेंटेनेंस में आ जाता है, तो वो मेंटेनेंस का आपको एक्सपीरियंस थोड़ा शो करना होगा, लेकिन मिनिमम एक्सपीरियंस जो है 5 ईयर का होना चाहिए। और पहले पहले जो बंदे गल्फ रिटर्न है उनको पहले मौका मिलेगा, और जो बंदा इंडियन एक्सपीरियंस है उसके बाद उनको मौका मिलेगा इंटरव्यू में बैठने का। ठीक है, लेकिन पेपर सबका जमा होगा, वो क्लाइंट फिर बताएगा किसको लेना है किसको नहीं लेना। ओके, अभी इसमें मैं बता दूं, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ऑटो मैकेनिक, मेडिकल गैस टेक्नीशियन है, बीएमएस कंट्रोल टेक्नीशियन है, बॉयलर टेक्नीशियन है, बॉयलर ऑपरेटर है, फर्नीचर कारपेंटर है, टेलीफोन सेंट्रल एंड नेटवर्क टेक्नीशियन है, और केमिस्ट है, WTP। ये केमिस्ट वो मेडिकल वाला नहीं है, फार्मेसी वाला नहीं, ये WTP है, केमिस्ट है। चिलर टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन है, एलिवेटर टेक्नीशियन है, फायर फाइटिंग टेक्नीशियन है, गार्डनर सुपरवाइजर है, लैंडस्केप टेक्नीशियन है, जनरेटर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, जनरेटर मैकेनिकल टेक्नीशियन है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, होम अप्लायंस टेक्नीशियन है, HVAC टेक्नीशियन है, किचन इक्विपमेंट टेक्नीशियन है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रीशियन है और होम अप्लायंस टेक्नीशियन भी है। और फिर उसके बाद किचन इक्विपमेंट टेक्नीशियन हो गया, लॉन्ड्री इक्विपमेंट टेक्नीशियन हो गया, मैकेनिकल टेक्नीशियन हो गया, पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन हो गया, फोटोकॉपी टेक्नीशियन हो गया, और पंप टेक्नीशियन है, WTP टेक्नीशियन, RO वाले, RO वाटर प्लांट वाला जो RO होता है ना, उसका WTP टेक्नीशियन चाहिए, ऑडियो वीडियो टेक्नीशियन है, रेडियो स्पेशलिस्ट है, और साथ में पेंटर चाहिए, मेसन है, पाइप फिटर है, पाइप वेल्डर है, टाइल फिक्सर है, फायर अलार्म टेक्नीशियन है, और अल्मोनियम टेक्नीशियन है, मतलब अल्मोनियम फेब्रिकेटर, और इसमें डकमैन है, CCTV टेक्नीशियन भी है, मेडिकल वोल्टेज मीडियम वोल्टेज टेक्नीशियन है, मीडियम वोल्टेज ऑपरेटर है और पंप ऑपरेटर है। ये जो काम मैंने पूरा आपको पढ़ के बताया हो,
ये पूरा काम जो है मेंटेनेंस का है, और इसमें जितने भी काम में टेक्नीशियन आप देख रहे हो, टेक्नीशियन ये सब में आईटीआई चाहिए, आईटीआई हो या डिप्लोमा हो, भले ही वो ओरिजिनल ना हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको इंटरव्यू में बैठने के लिए ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको अपने साथ सीवी, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, पासपोर्ट और फोटो, ये 5 डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं, जिसमें आपका जो ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, बाकी ऑल डॉक्यूमेंट जो है आपका फोटो कॉपी चलेगा, ठीक है। और इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे जो बंदे, वो मॉर्निंग में 9 AM थर्सडे को, जुमरात के दिन, बृहस्पतिवार के दिन सुबह 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग कोशिश करो 9 बजे से, सुबह 9 बजे से पहले आने का, या 15 जून को बुधवार के दिन भी आप आकर ऑफिस में अपना फार्म वर्म रेडी करवा सकते हैं। फार्म रेडी करवाने का कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, ओके। और इसमें जो सैलरी रेंज है, पेपर में बताया हूं मैं, ये इसमें सैलरी 8 घंटे का सैलरी है, ये पूरा सैलरी आप देखो सऊदी करेंसी है, जैसे इसमें ये पूरा का पूरा 8 घंटे का है सैलरी है, प्लस इसके ऊपर जो ओवर टाइम मिलेगा वो आपका ऊपरी कमाई होता है, जो इंडिया में नहीं मिलता है। इसी वजह से लोग विदेश जाते हैं कि वहां पे काम ज्यादा करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। सैलरी इंडिया में भी यही मिलता है, बाहर में भी यही मिलता है, सैलरी कोई डिफरेंस नहीं होता, बस वहां बस एक चीज का प्रॉफिट होता है इंसान को, कि वहां जो कमाया वो एक इकट्ठे पैसा वो अपने घर भेजता है, तो उससे उसको दिखता है कि हाँ भाई मैं इतना कमा के भेज रहा हूँ घर पे, तो 2-4 काम घर के हो जाते हैं। तो ये कंपनी जहरान कंपनी है, सऊदी अरबिया का मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट है, और फुल मेंटेनेंस का ही एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए इसमें। पूरा कैटेगरी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो आपको अगर और भी कोई काम चाहिए इसके अलावा, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से क्या होगा, आपको आने वाले जो भी काम है विदेश के उसका मालूम चलता रहेगा आपको पहले ही व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जुड़ने का सबसे आसान तरीका है, ये बारकोड है, ये बारकोड को अपने मोबाइल कैमरे से या मोबाइल में स्कैनर होगा उससे सिर्फ स्कैन करो आप। स्कैन करते ही आपको एक लिंक मिलेगा ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उस पर क्लिक करें और ज्वाइन हो जाए। ज्वाइन ग्रुप जैसे ही करोगे आप ग्रुप के मेंबर बन जाओगे, और आने वाले जो भी विदेश का काम होगा वो आपको आसानी से मिलता रहेगा और मालूम चलता रहेगा। और दोस्तों मेरा नाम अशरफ खान है, और मैं इनलेट ऑफिस दिल्ली ओखला सराय जुलेना से हूँ। ये मेरे ऑफिस का पता है, इनलेट जॉब कंसल्टेंसी नई दिल्ली में है, 162 सेकंड फ्लोर सराय जुलेना में, अपोजिट एस्कॉर्ट फोर्टिस हॉस्पिटल, गेट नंबर 2, नजदीक में सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन है, और हमारा जो ऑफिस है ABC ट्रेड सेंटर के बराबर वाली गली में है। इसके अलावा और कुछ भी पूछना हो आपको, तो स्क्रीन पे जो एड्रेस है, नंबर है, फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, उस पे आप फोन करें और इंक्वायरी करें। ओके, अल्लाह हाफिज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।